हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अध्याय समीक्षा के अंतर्गत जो है पार्ट दो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है चैप्टर के बारे में अध्ययन किया। वीडियो भाग दो में पार्ट दो वीडियो भाग दो के अंतर्गत अब हम पार्ट में प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट दो, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं चैप्टर का पाठगत प्रश्न। प्रश्न संख्या एक, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो इसको हम समझा चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं तथा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे कि नमक NaCl और जल H2O, ये सब शुद्ध पदार्थ हैं। जितने भी तत्व हैं हमारे जो है आवर्त सारणी में 118 तत्व की खोज हो चुकी है। 118 तत्व जितने भी हैं हाइड्रोजन हीलियम से लेकर के अंत तक जितने तत्व हैं सबके सब क्या हैं, शुद्ध पदार्थ हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर दूसरा क्वेश्चन है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। अभी इसके पहले ये चर्चा हो चुकी है लेकिन एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। इसके संगठनों की, पहला पॉइंट है, इसके संगठकों की बनावट समान होती है और इसके संगठकों की बनावट भौतिक दृष्टि से अलग होती है। कहने का मतलब है कि जो समांगी मिश्रण होते हैं इसके जो घटक होते हैं, संगठक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं जिससे मिलकर बनता है, वो यूनिफॉर्म होता है। मतलब उसको हम पहचान नहीं पाते हैं, उसमें कोई स्पष्ट पृथक्कन सीमाएं नहीं होती हैं, उसको पहचान नहीं पाते कि कहाँ पर जो है कौन सा पदार्थ है। लेकिन इसमें जो है विषमांगी में इसको हम पहचान पाते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट है, इसके विभिन्न अवयवों के बीच अस्पष्ट पृथक्कन सीमाएं नहीं होती हैं समांगी में, लेकिन इसमें पृथक्कन सीमाएं होती हैं। उदाहरण इसका शक्कर और चीनी का विलयन, और मतलब चीनी और शक्कर या चीनी का विलयन, मतलब चीनी को पानी में घोलिए जो विलयन प्राप्त होगा वो समांगी विलयन होगा। इसी प्रकार से चीनी को पानी में, चीनी को नींबू पानी में घोलिए विलयन जो तैयार होगा, नमक को पानी में घोलिए जो विलयन तैयार होगा, ये सब समांगी विलयन कहलाएगा। इसमें जो है नमक और ऐसा विलयन जिसमें कि सिंपल भाषा में समझा जाए, ऐसा विलयन जिसमें जो चीज़ें उसमें घोली जाएँ वो अदृश्य हो जाएँ, दिखाई ना पड़े। और इसमें जो सब विषमांगी विलयन होते हैं, सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक को लोहे की छीलन में घोलिए, नमक भी दिखता रहेगा और लोहे की छीलन भी दिखती रहेगी, अर्थात कि विषमांगी विलयन कहलाएगा या विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। अभी वही चीज़ हम समझा चुके हैं, उसके ऊपर भी समांगी विषमांगी में अंतर वो अब आगे हो चुका है। अगला प्रश्न है, विलयन निलंबन कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। तो विलयन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इसके कणों में समांगिकता होती है। तीसरा पॉइंट, इसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि आँखों से नहीं देखे जा सकते। नंबर चौथा पॉइंट, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। नंबर छठा पांचवा पॉइंट, छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया सकता, क्योंकि छान के आप देख भी सकती हैं नींबू के रस को पानी में घोल लिया और सोचिए छान के अलग कर दें तो अलग नहीं कर पाएंगे। तो ये सब, और यह अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है। एक बार बन गया तो उसको ऐसा नहीं कि हम नींबू दोबारा बना देंगे, नींबू के रस को पानी में घोलिए, सोचो ये कि रस को अलग करके और पानी को अलग करके हम रस को अलग करके नींबू बना दें और पानी को अलग कर दें, ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि जो एक बार बन गया वो अस्थाई होता है। ठीक है, तो हो गया विलयन की बात। अब बात करते हैं निलंबन क्या होता है, थोड़ा उससे अलग होता है निलंबन, देखते हैं इसमें क्या होता है। यह एक विषमांगी मिश्रण, निलंबन क्या है, विषमांगी मिश्रण है, मतलब इसमें अस्पष्ट पृथक्कन सीमाएं होती हैं और उसके अवयवों को या घटकों को आँख से देख सकते हैं और इसको छान करके अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके कणों में समांगिकता नहीं होती है, मतलब कि यूनिफॉर्मिलिटी समांगिकता नहीं होती है। इनके कण बड़े होते हैं और ये आँखों से देखे जा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, इनके निलंबित कण प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं, इन्हें छानने की विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, ये अस्थायी होते हैं। इतना पॉइंट हो, निलंबन हो गया। अब कोलाइड की बात करते हैं, ये कोलाइड क्या होता है, देखिए कोलाइड का मतलब, यह भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, यह भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। इनके कणों में भी समांगिकता नहीं होती है, इनका आकार छोटा होने के कारण इन्हें आँख से नहीं देखा जा सकता। निलंबन के कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन इनके कणों का आकार कोलाइड का
जो है छोटा होता है, दोनों में यही अंतर आ रहा है, क्योंकि वो भी मिसमांगी है और उसमें भी समांगिकता नहीं होती है, लेकिन उसका जो कोलाइड के कणों का आकार है वह आँख इतना छोटा होता है कि उसको आँख से नहीं देख सकते हैं। अगला है, ये प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं और टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, जिसके बारे में चर्चा बाद में की जाएगी, टिंडल प्रभाव क्या होता है। और अगला पॉइंट है, छानने की विधि से इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है, मतलब कि जबकि हम निलंबन के कणों को छानने के द्वारा अलग कर लेते हैं, लेकिन इसका जो लक्षण है ये कहीं ना कहीं विलयन से मिलता जुलता है, ठीक है, लेकिन यह विषमांगी मिश्रण है और इसमें समांगिकता नहीं होती है, यही एक अंतर आ रहा है इसमें। वो भी जो विलयन होता है वो अस्थायी होता है, लेकिन जो निलंबन होता है वो अस्थायी होता है, इसी प्रकार से जो एक कोलाइड होता है ये भी अस्थायी होता है। तो इसमें जो अंतर अगर देखा जाए तीनों विलयन में से जो सबसे क्यों अलग है सबसे, इसको अगर अंतर की बात करें तो इसमें अंतर बता देते हैं कि इसमें अंतर है कि इनका आकार छोटा होने के कारण इन्हें आँखों से जो है नहीं देखा जा सकता, ठीक है, और ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, ये इसका दो मेन पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए, एक सवाल है इसको सॉल्व कर किया जाएगा भी, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर, के मतलब केल्विन पर घोला जाता है, केल्विन जो है तापमान का मात्रक है, केल्विन पर घोला जाता है, इस तापमान पर उसकी सांद्रता प्राप्त करें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको हम समझाने जा रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर घोला जाता है, इस तापमान पर विलयन की सांद्रता प्राप्त करें। विलयन की सांद्रता निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है, विलयन की सांद्रता बराबर होती है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान भागे विलायक पदार्थ का द्रव्यमान गुणे 100, अर्थात कि विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान है उसको हम विलायक से भाग देने के बाद, उसके द्रव्यमान से भाग देने के बाद 100 से गुणा कर देंगे तो ये जो है सांद्रता आ जाएगी। लेकिन पहले मुझे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलायक पदार्थ का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा सांद्रता के लिए। पहले यहाँ पर देखते हैं जो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में, तो सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, विलेय जो नमक है सोडियम क्लोराइड ये विलेय है। जैसे कि हम कोई जानते हैं कोई विलयन जब बनाते हैं उस विलयन में जो जिसमें हम घोलते हैं, जैसे जल क्या है, जल में हम घोलते हैं तो जल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विलायक, क्या कहलाएगा, विलायक। तो जल क्या है, विलायक है, और जिसको हम घोलते हैं चाहे नमक हो चाहे जो भी चीज़ें होती हैं जिसको हम घोलते हैं वो विलेय कहलाता है। इसमें विलेय का जो द्रव्यमान दिया गया है वो 36 ग्राम दिया गया है, तो विलेय का द्रव्यमान कितना, 36 ग्राम है, और इस जो विलायक का द्रव्यमान जल का द्रव्यमान है वो 100 ग्राम है। तो सोडियम क्लोराइड द्रव्यमान मतलब विलेय का द्रव्यमान 36 ग्राम और जल का द्रव्यमान 100 ग्राम, यही लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद हम जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान, पहले द्रव्यमान निकालेंगे, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, अर्थात कि विलयन का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 36 ग्राम और 100 ग्राम बराबर 136 ग्राम, इसको यहाँ पे जोड़ लिया गया है, आ गया विलयन का द्रव्यमान। अब सूत्र हमने बताया था पहले, सांद्रता का सूत्र होता है, विलयन की सांद्रता बराबर होती है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान भागे विलायक पदार्थ का द्रव्यमान। तो जो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान होता है वो 36 ग्राम है और विलायक पदार्थ का द्रव्यमान 136 ग्राम है, जबकि यहाँ पे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान भागे विलायक पदार्थ का द्रव्यमान, तो 36 भागे 136 गुणे 100 कर देंगे तो जो है ये काटने के बाद इतना 9/34 गुणे 100 आ जाएगा, 100 को जो है 00 यहाँ बढ़ा देंगे 9 में तो 900 हो जाएगा, 900/34 हो गया, और 900/34 हो गया तो इसमें जो है क्या करते हैं, भाग दे देंगे, भाग देने के बाद ये विलयन का द्रव्यमान 36.47 आ गया, अर्थात कि दिए गए तापमान पर विलयन का जो सांद्रता होती है वो 26.47 इसका एक उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि पॉइंट समझ में आएगा, जब क्लास खुलेगी तो इसको बोर्ड पे करके अच्छे से दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जो माध्यम है उसी के माध्यम से इसको बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सारा जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। तो आज जो है जो चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं पार्ट 2 समाप्त होता है। अभी तक हमने जो है NCERT के आधारित जो है पाठ्यक्रम में जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 को कक्षा 9 का समाप्त किया है। अगले वीडियो में पार्ट 3 चैप्टर का भाग 1 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।